फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ती डिज़ाइंस। इससे पहले मैंने कुर्ती डिज़ाइन पार्ट फर्स्ट की वीडियो शेयर की थी, जो कि ओल्ड साड़ी से मैंने बनाई थी। उसका नाम था ओल्ड साड़ी न्यूज पार्ट फर्स्ट। और ये है, मैंने कुछ ये रेयन से कुर्तियाँ बनाई हैं। ये मैं सेकेंड वीडियो अपनी कुर्ती डिज़ाइंस की डालूँगी, जो कि मैंने खुद स्टिच की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी फर्स्ट कुर्ती, रेयन में है। ये जो मैंने अभी ये सारी कुर्तियाँ जो बनाई हैं, ये मैंने रेयन में ही बनाई है, क्योंकि अभी समर्स आने वाला है और समर्स के हिसाब से रेयन काफ़ी सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है। कॉटन और रेयन काफ़ी अच्छा लगता है समर्स में, तो मैंने ये रेयन्स का फैब्रिक लेकर रेयन की कुर्तियाँ बनाई हैं। तो ये है मेरी पहली कुर्ती, ये कुछ एक ड्रेस स्टाइल में मैंने बनाई है। इसकी जो स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स मैंने इसमें फ्रिल्स डाली हैं। इसमें टू फ्रिल्स वाली स्लीव्स मैंने बनाई हैं। फर्स्ट ये है फर्स्ट एंड सेकेंड ये है, टू फ्रिल्स में मैंने स्लीव बनाई है। और जो कुर्ती में नीचे का पार्ट है, नीचे से भी मैंने इसमें ये फ्रिल्स डाली है। ये फ्रिल मैंने नीचे की तरफ दी है। ये जो है, मतलब थोड़ी नीचे नीचे की तरफ लेंथ इसकी, मतलब ज़्यादा पूरी लॉन्ग नहीं है, नीचे नीचे की तरफ है, एक ड्रेस टाइप में लगती है। एंड इसके बैक साइड में मैंने यहाँ पे हुक दिया है और इसको मैंने राउंड शेप में दिया है और यहाँ पे इसको हुक दिया है। तो इसको पहनने के बाद ही, मतलब पीछे से भी कवर्ड है, बस इतना पार्ट इसका पीछे से दिखाई देगा। एंड इसका नेक मैंने राउंड शेप में दिया है, राउंड शेप में इसका नेक है। एंड ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली कुर्ती है। तो ये है मेरी फर्स्ट कुर्ती है उनकी, जो कि मैंने समर्स के लिए रेडी की है। चलिए तो अब बात करते हैं हम सेकेंड कुर्ती की। ये है मेरी ग्रे कलर की सेकेंड कुर्ती, जो कि मैंने डेली वेयर के हिसाब से ही इसको भी रेडी किया है। मैंने इसका भी नेक राउंड है। उस फर्स्ट कुर्ती का जो नेक था वो एकदम बंद था, बट इसके में मैंने फ्रंट से ओपनेबल किया है एंड बैक इसका बिल्कुल कवर्ड है। बैक बिल्कुल इस तरीके से दिया है। और ये कुर्ती मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइल में बनाई है, ये चोली कट स्टाइल में मैंने बनाई है इसको। और सेंटर से मैंने इसमें पूरा स्लिट कट दिया है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो एल्बो तक आती हैं, एल्बो तक मैंने इसकी स्लीव बनाई है। यहाँ पे जो हुक्स लगाए हैं मैंने, टू हुक्स ओपनेबल है। एंड इसको थोड़ा ए शेप में बनाया है। इसका राउंड नेक रखा है, बैक साइड का भी नेक राउंड है, बट बैक से थोड़ा ये नेक 2 इंच का है एंड फ्रंट से थ्री इंच का नेक फ्रंट की तरफ से है। एंड ये ए शेप में होती है, फ्रंट से स्लिट कट है एंड नीचे की तरफ से कुछ ये एसिमेट्रिक की तरह है। ये कुछ इस तरीके से है, नीचे बैक साइड तो स्ट्रिक्ट है, मतलब इस तरीके से बना हुआ, एंड फ्रंट का साइड कुछ इस तरीके से। ये साइड से भी इसमें इस तरीके से ओपन है, साइड से भी ये इस तरीके से ओपन की गई है। तो ये है मेरी सेकेंड कुर्ती, जो कि मैंने अभी ये रेडी की है। इसका फैब्रिक भी रेयन है, ये भी रेयन में है। तो चलिए बात करते हैं अब थर्ड कुर्ती की, जो कि मैंने थर्ड कुर्ती भी रेडी की है। ये वाली कुर्ती मैंने कुछ सिंपल तरीके से बनाई है, ये स्ट्रिप्स वाली कुर्ती है। ये सिंपल कुर्ती है, जिस तरीके से सिंपल स्ट्रेट कुर्तीज होती हैं, ये उस तरीके से है। इसकी ये स्लीव्स इतनी ही बनाई हैं, एल्बो से थोड़ा सा नीचे हैं, थोड़ा सा ही नीचे हैं एल्बो से, लेकिन थोड़ी खुली खुली सी हैं। इस तरीके से मैंने स्लीव्स बनाई है। इसका नेक भी मैंने राउंड रखा है एंड इसको भी फ्रंट से ही ओपनेबल किया है। इसका जो फ्रंट में है, तो इसमें फ्रंट में इसके में 3 हुक यहाँ पर आए हुए हैं। ये 3 हुक इस तरीके से खुल जाते हैं। इसके जो मैंने नेक में जो ये पाइपिंग लगाई है, ये मैंने अंदर की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ को करके लगाई है। तो इसके जो नेक पे ये डिज़ाइन आया है, ये कुछ इस तरीके से आ गया है। तो इसका जो बैक है, बैक इसका प्लेन सिंपल फुल कवर्ड है नीचे तक, ये इस तरीके से। इस तरीके की कुर्तीज़ जो होती हैं समर्स में बहुत अच्छी लगती हैं लाइंस में। इसके नीचे हम प्लेन भी पहन सकते हैं कोई भी कलर, क्योंकि ये मल्टी कलर में है, तो हम कोई भी कलर इसका नीचे पैंट इसकी पहन सकते हैं। और इसमें अगर हम लाइनिंग की कुर्ती के साथ, अगर हम लाइंस होती हैं जिन कुर्तीज़ में, उनके साथ हम प्रिंटेड प्लाजो पहने तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जैसे कि फ्लावर प्रिंट्स आते हैं पैंट पर, उस तरीके का भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये थी मेरी थर्ड कुर्ती, जो कि मैंने एक सिंपल तरीके से ही बनाई है। तो चलिए बात करते हैं हम अपनी फोर्थ कुर्ती की, जो कि वो भी मैंने थोड़ा सिंपल ही बनाई है। एंड ये कुछ मैंने इस तरीके से बनाई है, ये कुर्ती कुछ इस तरीके से है। ये भी बिल्कुल स्लिट कट है और
ये भी नीचे से भी सिंपल प्लेन इस तरीके से, जैसे सिंपल कुर्तीज़ होती हैं ये कुछ इस तरीके से है। और इसके नेक में मैंने ये फ्रिल वाला डिज़ाइन दिया है। जैसे कि आजकल ये वाला डिज़ाइन आप देखेंगे तो ये बहुत चीज़ों मिलता है, जैसे टॉप्स में, ब्लाउजेज में, स्लीव्स पर भी लगाते हैं इसको। तो मैंने ये इस पे नेक पे ये वाला डिज़ाइन दिया है। ये कुर्ती का फैब्रिक भी रेयोन है, ये भी रेयोन में ही है। और इसकी स्लीव्स फुल नहीं है, फुल से थोड़ा सा कम है, पूरी फुल नहीं जाती हैं, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक आती हैं। तो ये इस तरीके से स्लीव्स हैं। इसका बैक का राउंड नेक है, थोड़ा डीप है। इसका नेक इस तरीके से है। एक्चुअल में ये कुर्ती मेरी नहीं है, ये कुर्ती मैंने बनाई है। तो ये इस तरीके का इसका नेक मैंने बनाया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी सी कुर्ती, देखने में सुंदर सी लग रही है। तो ये था मेरा कुर्तीज़ का मतलब जो डिज़ाइंस, जो कि मैंने ये खुद स्टिच और डिज़ाइन की है मैंने खुद ही अपने तरीके से। एंड इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर हेल्प। थैंक यू।